धनबाद शहर स्वच्छता रैंकिंग में भले ही रैंकिंग में सुधार हुआ है, मगर स्वच्छता सर्वेक्षण खत्म होते ही शहर के सड़कों और गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार दिखने लगा है। इससे साफ दिख रहा है कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कहावत फिट बैठता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद सफाई में करता है 1.5 करोड़ खर्च, फिर भी गंदा शहर। धनबाद शहर की स्वच्छता के मामले में भले ही 56वां स्थान मिला है, वहीं इस रैंकिंग को पाने के लिए धनबाद नगर निगम के सफाई कर्मियों ने दिन रात लगाकर यहां स्थान पाया, मगर अब शहर की हालत देखकर लगता है कि नगर निगम सिर्फ रैंकिंग में सुधार के लिए ही दिन रात सफाई कर्मी काम कर रहे थे। वहीं समय समय पर नगर आयुक्त भी शहर का मुआयना कर सफाई का जायजा लिया करते थे। बता दें कि धनबाद नगर निगम प्रति माह करीब 1.5 करोड़ की खर्च सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा दी है। वही करते हुए नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई का काम डोर टू डोर लगातार चल रहा है। रूटीन वर्क में लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। प्रत्येक सप्ताह इसका निरीक्षण भी कराया जाता है। हम लगातार प्रयास में रहते हैं कि धनबाद में स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण दे सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 लाख की आबादी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण निगम को देने की उत्तरदायित्व है। उन्होंने कहा कि रांची सफाई मद में 6 करोड़ प्रति माह खर्च करता है, वहीं धनबाद मात्रा 1.80 करोड़ खर्च करता है, किंतु रांची की तुलना में धनबाद नगर निगम कहीं पर भी कम नहीं है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। हम लोग डोर टू डोर पिछड़े हुए हैं। सफाई का कार्य तो जैसा कि रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में जो है लगातार इसकी निगरानी निगम के द्वारा की जा रही है। प्रत्येक सप्ताह इसका निरीक्षण कराया जाता है टीम गठित करके, और उसमें दोषी जो भी चिन्हित लोग होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। निगम लगातार जो है इस प्रयास में है कि धनबाद की जनता को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण जो है दे सके। सफाई में सकता है इसमें खर्च आता है क्योंकि 15 लाख की आबादी को जो है स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण जो है नगम को देने का उत्तरदायित्व है। अतः इस हेतु जहां तक रांची की बात है, जहां रांची इस मद में जो है 6 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करता है, धनबाद मात्र जो है 1.80 करोड़ रुपए खर्च करता है, किंतु रांची की तुलना में धनबाद नगर निगम जो है कहीं पर भी उसके तुलना में कम नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि डोर टू डोर जो है अभी हम लोग इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य जब मूर्त रूप धारण कर लेगा तो हम लोग अन्य जिलों की तुलना में काफी आगे रह करके इस क्षेत्र में परिणाम देंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक सुधारने के लिए धनबाद नगर निगम रेस में थी, मगर शहर की गंदगी देखकर ऐसा लगता है कि निगम के पास पैसा ही नहीं है, जिसके कारण धनबाद शहर में गंदगी का अंबार लगा है। अब ऐसे में धनबाद नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक कैसे सुधारेगी, साथ ही जगह जगह गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। आजकल शहर में तो चारों ओर गंदगी दिखाई दे रही है, लगता है नगर निगम की तरह से पैसा की कमी के कारण साफ सफाई नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से साफ सफाई बंद पड़ा हुआ है, इस पर नगर निगम को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शहर में गंदगी फैलने से बीमारियों की संभावना ज़्यादा है और लोगों की परेशानी होती है, तो इस पर नगर निगम को खास ख्याल रखना चाहिए। सर, गली कुची में अभी तो रेगुलर साफ सफाई अभियान नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है ये तो नगर निगम बता पाएंगे, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। स्थिति अभी गंदगी है चारों तरफ, तो साफ सफाई नहीं नजर आ रहा है। पहले कुछ दिन हुआ था लेकिन अभी तो बिल्कुल बंद।